हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास फेसबुक से एक दो क्वेश्चंस आए थे, तो उन क्वेश्चंस को कोई यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या मैसेज में? जुगेश प्रभु अगर आप फेसबुक में हैं इस समय लाइव लाइन में, तो अगर मैसेज में आप वो प्रश्न डाल दीजिए तो सभी भक्तों को पता चलेगा प्रश्न क्या था, ताकि हम उसका उत्तर जो है देंगे तो सब लोग रिलेट कर पाएंगे। और अभी हम जो है हम उस प्रश्न का उत्तर को थोड़ा सा लास्ट में देंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी नारद जी को जो उनके प्रश्न थे शुरू में, जो उन्होंने पूछे थे पहले प्रश्न, उसके उत्तर किस तरह से वो दे रहे हैं। उन्होंने जो है एक एक करके उत्तर को देने में वो लगे हुए हैं। और जो प्रश्न पूछे थे कि आधार कौन है, आपसे बड़ा भी कोई है क्या, है ना, ये सब पूछे थे। तो आज जो है वो कुछ और बता रहे हैं कि अभी और भगवान जी भगवान के लिए यज्ञ कौन करता है, किस तरह से यज्ञ वगैरह स्टार्ट होता है और क्या होता है। 29वें श्लोक में देखिए, स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक नंबर 29। ततस्ते भ्रातरि मे प्रजानाम पतयो नव अयजन व्यक्त मव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता। कहते हैं हे पुत्र, अभी लास्ट में उन्होंने क्या बताया था 28 में, कि इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री जमा करी और उससे फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। इन भगवान के शरीर से ही सामग्री लेकर के यज्ञ को संपन्न किया, ये वो बताए थे लास्ट टाइम। अब कहते जब मैंने यज्ञ संपन्न कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ? फिर हे पुत्र तत्पश्चात उसके बाद अगला यज्ञ कब हुआ? जब भगवान ने सृष्टि बनाई, पुत्र हुए, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाई, पुत्र हुए, और कहते तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों में, तो उनके 9 भाई जो है नारद जी के सारे भाई को क्या कहलाते हैं? प्रजापति कहलाते हैं। 9 प्रजापति हैं वो, जो व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। अब उन्होंने व्यक्त और अव्यक्त से मतलब क्या है?
व्यक्ति से मतलब है जो दिखता है, है ना, जैसे आपके देवी देवता है, है ना, वो दिखते हैं ना, और जो मतलब ये लोग जो है राजा इंद्र, देवी देवता, पार्षद, ये सब कहलाते हैं व्यक्त। मतलब कैसे दिखने का मतलब क्या हुआ कि पहले ये बात बात में दर्शन दे देते थे, लोग इस लोग तक पहुंच जाते थे, अर्जुन इंद्र से लेने गए थे ज्ञान, है ना, तो लोग जो है इनके साथ ज्ञान लेने चले जाते थे उनसे, शिव जी से उन्होंने जो है अस्त्र लिए, इंद्र से अस्त्र लिए, जगह जगह चले जाते थे, मतलब इनको व्यक्त बोलते हैं। तो जिनके पास जा जा करके लोग जो है जाकर देवी देवता के पास जा करके लोग क्या लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, तो उनको बोलते हैं व्यक्त, है ना। तो उस समय वो व्यक्त थे, और अव्यक्त कौन है, भगवान कृष्ण। वो जो है पहले आप उनके गोलोक धाम जा करके उनको देखना बहुत मुश्किल था, वो इसलिए उनको अव्यक्त फॉर्म में बोला गया। तो जो है अभी इसने बोला गया कि जो व्यक्त पुरुष हैं वो पहले बड़े आसान होता था इस लोक से उस लोक तक यात्रा करना, लेकिन कलयुग में चूंकि लोगों के मन बिल्कुल भी साफ नहीं है, इसलिए उनके लिए व्यक्त लोगों को यानी देवताओं को भी देखना दुर्लभ हो गया। जोगेश प्रभु ने क्वेश्चन डाल दिया है इसमें, और जिन्होंने क्वेश्चन डाला तो उनका नाम भी डाल दीजिए प्लीज। तो इसमें कहते हैं कि जो व्यक्त है वो पहले दर्शन देते थे, आजकल और लोग क्या करते हैं, आज मैं देखूंगा कि भगवान है, देवता है कि नहीं है, तो वही मैं जो है उनको मानूंगा, है ना। उनको क्या लगता है, अगर कोई देवता है तो मैं उनको मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो अगर जो है देवता को हम देखना तो चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी क्षमता है देखने की उनको, ब्रॉडकास्ट हो गया था। तो इसमें जैसे हमारे भगवान को देखने के लिए हमारी क्षमता है नहीं, प्राइम मिनिस्टर को आप मिलना चाहते हैं, क्षमता है नहीं मिलने की, तो क्या आप पहुंच जाएंगे क्या मिलने के लिए, नहीं मिल सकते ना। यानी बड़े लोगों से पूछा जाए या छोटे लोगों से पूछ कैसे मिला मिलने के लिए, आपके पास उतना क्या है, उतना पावर है कि नहीं। तो अगर स्वयं देवी देवता भगवान को देखना है तो हमारा उसका भी एक प्रोटोकॉल है, अगर उस प्रोटोकॉल को हम फॉलो करते हैं तो ही मिल सकते हैं। तो लेकिन कलयुग में रह करके जहां पे हमारे मन साफ नहीं है, तो यहां पर मैं इस प्रश्न का उत्तर इसी श्लोक से देता हूं। तो परमजीत प्रभु ने पूछा था कि हम कैसे पहचाने, कहते प्रभु जी कैसे हम पहचाने किसी को कि ये अच्छा आदमी है या नहीं। ये प्रश्न फेसबुक के एक हमारे भक्त हैं जो कनेक्ट करते हैं भागवत क्लास में, उन्होंने प्रश्न पूछा था, और उन्होंने कल बोला भी कि जो है ऑफिस के काम में ऐसे लग जाते हैं कि वो कनेक्ट नहीं कर पाए थे। तो अगर व्यक्ति को पहचानने का सबसे बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रभु पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि एक समय था सतयुग में जब अच्छाई और बुराई बिल्कुल अलग अलग लोकों में हुआ करती थी। अच्छाई होती थी कहाँ पर, पूरा इसके इस लोक के ऊपर लोकों में, है ना, यानी स्वर्ग लोक के ऊपर सतलोक में, सतलोक में अच्छाई होती थी और बुराई होती थी पाताल लोक में। त्रेता युग आया तो अच्छाई और बुराई अलग अलग देशों में हो गई, जैसे एक श्रीलंका में बुराई हो गई तो इंडिया में अच्छाई, भारत में अच्छाई हो गई। जब द्वापर युग आया तो एक परिवार के अंदर अच्छाई बुराई हो गई, उसी परिवार के जो पांडव लोग थे वो अच्छाई की तरफ थे और जो परिवार के जो कौरव पक्ष के लोग थे वो बुराई की तरफ थे। लेकिन कलयुग की एक खास बात क्या है, यहाँ पे अच्छाई और बुराई दोनों अंदर है, हृदय में है इंसान के। तो कभी वही इंसान आपको अच्छा लगेगा और कभी वही इंसान आपको बुरा लगेगा, क्यों, अच्छाई बुराई दोनों अंदर है। कभी लगेगा इतना अच्छा है ये तो, और कभी क्या फील होगा, अरे इतना बुरा है ये, सेम व्यक्ति। कभी आप उससे जुड़ना चाहेंगे, कभी उससे आप अलग होना चाहेंगे, सेम व्यक्ति। क्यों, क्योंकि अच्छाई बुराई दोनों उसी के अंदर है। तो अगर आप ये कहें कि कैसे पहचाने कि इंसान अच्छा है कि बुरा, तो ये कह पाना तो बहुत ही मुश्किल है। क्यों, अभी कोई जरूरी नहीं कि हर तिलक लगाए हुआ, हर धोती कुर्ता पहना हुआ, हर जो है
ब्राह्मण या गुरु या साधु दिखता हुआ इंसान साधु ही होगा, ये आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसका मतलब है तो फिर ये तो बहुत मुश्किल में फंस गया। तो शास्त्र क्या कहते हैं इसके लिए, शास्त्र क्या बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, यानी कैसे किसको पकड़ना चाहिए, है ना, कौन जो है ऐसा है जो हमें बता सकता है कि मतलब शास्त्रों में क्या क्या बताते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमें एसोसिएशन करना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो देखिए जो भगवान का नाम लेता है, हो सकता है वो गलत भी कर रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार भी अगर कोई गलत काम करते हुए भी भगवान की भक्ति करता है तो भी वो साधु कहलाने लायक है, क्योंकि कभी ना कभी वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भक्त है, जो भगवान से एसोसिएटेड है, जो वैष्णव है, मेरे ख्याल से परमजीत प्रभु ऑनलाइन हो गए हैं, तो परमजीत प्रभु आपका ही मैं जो है प्रश्न का उत्तर ले रहा था कि कैसे पहचाने कि कौन की आदमी अच्छा है कि बुरा, तो मैंने थोड़ा पीछे बताया है, एक बार आप रिवर्स करके जब रिकॉर्डिंग हो जाए तो सुन लीजिएगा। मैं बता रहा था कि किस तरह से जो है हमारे पाताल की सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में, स्वर्ग लोक में, ऊपर लोकों में अच्छाई होती थी, कहीं कोई बुराई नहीं होता था, और नीचे पाताल लोक में बुराई होती थी, त्रेता युग में अच्छाई बुराई देशों में हो गई, भारत में अच्छाई थी रामचंद्र जी के रूप में और श्रीलंका में रावण के रूप में बुराई थी, द्वापर युग में एक घर में हो गया, उसी घर के पांडव लोग अच्छे थे और कौरव लोग बुरे थे, लेकिन कलयुग में एक ही इंसान के अंदर अच्छाई भी और बुराई भी है। तो अब यह ढूंढना पड़ता है कि कौन इंसान के अंदर अच्छाई ज्यादा है, यानी कह सकते कौन कम बुरा है। इस कलयुग में सब बुरे हैं, तभी हम यहां पर हैं, नहीं तो हम बुरे, नहीं तो हम यहां नहीं होते। तो कम बुरा कौन है, मतलब ज्यादा अच्छा कौन है, रेशियो प्रोपोर्शनल। तो जो एक सीधा सा हिसाब है, जो भगवान की भक्ति करता है हम उसके साथ एसोसिएशन ले सकते हैं, क्योंकि वो हमें सही दिशा बता करके बताएगा कि इधर जाना है। कोई अगर आपको कहता है चलो यार दारू पीने चलते हैं, उसका एसोसिएशन इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए, या उसको अपने साथ खींच के भगवान की तरफ ले जाना चाहिए। अब एक होता है बात कि कौन चालाक है और कौन भोला है। चालाक व्यक्ति आपका नुकसान कर सकता है साधु रूप में भी। तो हम जैसे ही हमें महसूस होने लगे, क्योंकि हमने साधु का फॉर्म देख करके वो अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो हम उस दिशा में उसके साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि गुरु को आप कभी भी त्याग सकते हैं। अगर किसी को आपने शिक्षा गुरु बना लिया है या दीक्षा गुरु बना लिया है और लगता है कि वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, आपको उसको तुरंत त्याग कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी का एसोसिएशन लेना शुरू कर दिया किसी भक्त का, और आपको लगा कि ये जो है ये भक्त तो सही नहीं कर रहा, ये काम वो नहीं कर रहा जो मैं जान जो जिस जो एक भक्त को करना चाहिए, आप तुरंत उस भक्त के साथ छोड़ सकते हैं बिना किसी देरी के। तो अच्छाई मतलब जो वैष्णव हो, क्योंकि वैष्णव कौन होते हैं, वांछा कल्प तरुभ्यश्चा कृपा सिंधु एवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव उसको बोलते हैं जो पतितों का आपको भी पावन कर दे और जो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर दे। कैसी इच्छाएं, भगवान की भक्ति से जुड़ने के लिए आप उसका संग कर सकते हैं। जैसे भी आप इस सत्संग में बैठे हैं, इस भागवतम कथा को आप सुन रहे हैं परमजीत प्रभु, तो आपको जो है यहाँ से जो प्राप्त होता है उसको आप लोगों को बांट सकते हैं, और जो ऐसे बांट रहा हो उसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। इसे कहते हैं कि उस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं ये व्यक्ति अच्छा है। अब मान लीजिए आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, मैं अलग अलग फॉर्म ले रहा हूं, तो कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति जो है अच्छा है कि बुरा है, मुझे इसके साथ बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिजनेस करने के पॉइंट समय भी हमें ये देखना पड़ता है कि अगर वो बोलता है कि यार जब सफलता मिलेगी तो दारू पार्टी करेंगे, सफलता मिलेगी तो जो है यहां जाएंगे, और अगर वो जो स्त्रियां हैं उन पर वो गलत दृष्टि डालने की प्रयास करता है, तो उसको आप समझ लीजिए कि एक ना एक समय आपको धोखा दे देगा। तो हमेशा अगर पार्टनरशिप भी करनी है तो किसी वैष्णव को पकड़िए जो 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 नास्तिक ना हो, आस्तिक हो, क्योंकि जो भगवान पर भरोसा रखते हैं वो बहुत जल्दी धोखा नहीं देते। तो अच्छाई और बुराई केवल इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपने संग किसका पकड़ा है। अगर आपने वैष्णव का संग पकड़ लिया है तो मतलब आपकी दिशा बिल्कुल सही हो गई,
हमारे साथ जो अभी एसोसिएट हैं, जो स्काइप यूजर्स हैं, काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो सब लोग जो है 1.5-2 साल से हमारे साथ कनेक्टेड, सब लोग कनेक्टेड हैं, और आज तक उन्होंने यही देखा है कि हाँ, हम जितने रास्ते में जा रहे थे, उन सबसे बेहतर रास्ता ये है कि भगवान की भक्ति और वैष्णव का संघ से बेहतर कोई संघ नहीं है। तो इस तरह से प्रभु जी आप पहचान सकते हैं। इसमें फिर 2.6.30 स्कंद 2:6 का 30वां श्लोक भागवतम में कहते हैं, तो लेकिन इसे प्रभा जी 29वें श्लोक में और बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि अगर देवी देवता दर्शन अभी नहीं दे रहे हैं, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो देंगे कभी नहीं, ऐसा नहीं है। कब देंगे दर्शन? प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने ना, अगर हमने अपनी आंख में भगवान के प्रेम का अंजन लगा लिया तो भगवान हमें दर्शन देंगे, जैसे हमारे गुरु को दिया है ना, उनको दिया है दर्शन देंगे। तो गुरु जी से लोग बोलते हैं, आपने भगवान देखा है? तो मैं पूछ रहा हूं, आपने हवा देखी है? कहते हैं जो देखा नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू सी दैट इज नॉट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अरे नहीं, आपने हवा देखा है क्या? लेकिन हवा एग्जिस्ट करती है ना, अगर 2 मिनट के लिए हवा खींच ली जाए तो सब मर जाएंगे, लाइन से सब मर जाएंगे। ओनली फॉर 2 मिनट्स अगर भगवान अपना बिल्कुल सफोकेटेड कर दे माहौल और हवा को बिल्कुल क्लोज कर दे, तो कौन बचेगा बताइए? सब के सब, जितने जिंदा जितने जीवित लोग हैं सब मर जाएंगे 1-2 मिनट के अंदर। लेकिन आपने कभी देखा है क्या? लेकिन हवा हर समय एग्जिस्ट करती है, उसी तरह से भगवान हर समय एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह उनकी एग्जिस्टेंस है। केवल क्या नहीं है, हम उनको देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो प्रेम प्रेमांजनाश्रित भक्ति विलोच लेना, वो प्रेम का अंजन आंखों में नहीं लगा रखा हमने भगवान के लिए। अगर प्रेम का अंजन आंखों में, अभी हम क्या करते हैं, हम प्रेम किससे करते हैं? कोई ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिसका कोई पता नहीं है। और कैसा प्रेम करते हैं? कोई भी कंडीशन के साथ, अनकंडीशनल लव है ही नहीं, कंडीशन है। मुझसे अच्छे से बोलोगे तो मैं प्रेम करूंगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। प्रेम की डेफिनेशन क्या होती है? एट एनी कॉस्ट आई विल लव यू। तो भगवान से भक्त बोलता है, हे कृष्ण, एट एनी कॉस्ट आई विल लव यू। जो तुम्हें मेरे साथ करना है कर डालो, मारना है मार डालो, पीटना है पीट डालो, बर्बाद करना है बर्बाद कर दो, सब छीन लो मेरा, लेकिन मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा, तुम्हारे साथ लगातार तुम्हारी भक्ति करता रहूंगा, कभी भी भक्ति तुम्हारी छोड़ूंगा नहीं। तो बताइए, भक्त ऐसे होते ना अनकंडीशनल लव वाले? तो कलयुग में अनकंडीशनल कंडीशनल लव के अलावा कुछ मिलता है क्या? केवल कंडीशनल लव, नो अनकंडीशनल लव इन कलयुग। याद करिए, जिसको भी आप, कोई भी व्यक्ति है, यही बच्चे जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, अगर बड़े होकर जरा सा माँ बाप का सम्मान ना करें, उल्टा बोलना शुरू करते, तो माँ बाप को लगता है भले यार, यही था जिसको हमने तब जो है पाला पोसा बड़ा किया, वो भी प्रेम खत्म। ततश्च मनवः काले ईजिरी ऋषियो परे पितरो विबुधा तैत्या मनुष्य कृतुभिर्विभुम्। 2.6.30 था ये। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं अर्थात मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। देखिए, इसमें मनुष्यों के पिता मनु है हमारे, जो पहला द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जो है वो मनु, जिनके जिनके पुत्र जो है हम सब हैं। महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों ने और दैत्यों ने भी यज्ञ किए। आपको पता है दैत्य कितना यज्ञ करते हैं? रावण, रावण का भाई कुंभकर्ण, ये लोग बैठ करके ऐसी यज्ञ किए, ऐसे तपस्या किए, ऐसा तपस्या किए, और लास्ट में दर्शन किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। और कहते मांगो बेटा, क्या मांगते? अपनी क्षमता अनुसार दे दूंगा। मांगने वाले थे इंद्रासन, मिल गया निंद्रासन, है ना, क्योंकि देवता लोग बोल दिए भाई ऐसा ना हो इंद्र की गद्दी छीन ले, तो लड़का लगातार लगा बिल्कुल तपस्या करने में लगा हुआ है। और रावण ने भी क्या मांगा कि भाई मुझे जो कोई जो भी दैत्यों का एक निशानी होती है वो अमरता चाहते हैं। किसके लिए? इंद्रिय भोगों के लिए, इंद्रिय सुख के लिए अमरता चाहते हैं। मुझे और सुख चाहिए, और भोगना है, और सुख चाहिए, लगातार सुख का डिमांड करते रहते हैं दैत्य लोग।
तो कलयुग में भी जो लगातार भोगने की बात करते हैं, मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, वो क्या होता है? वो दैत्य ही होता है। क्योंकि भगवान के भक्त को सब कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ नहीं चाहता, वो कहता है ठीक है जो मिल गया सफिशियंट है। वो आत्म जो है संतुष्ट, वो तुष्ट रहता है, जो भगवान ने दिया वो तुष्ट रहता है, उससे संतुष्ट रहता है। लेकिन जो दैत्य प्रकृति के लोग हैं उनको और चाहिए, जमा करो, सबका छीन लो, गरीब का भी छीन लो, सबका छीन के रख लो अपने पास, है ना, क्योंकि मेरा पेट भरना चाहिए, बाकी सब भूखे, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाला केस होता है दैत्यों का। तो वही दैत्य करते थे, मुझे इंद्र का आसन भी मिल जाए, मेरे पास पाताल लोक तो है, मैं इंद्र को भी खींच लूं, मैं उसका भी आसन खींच लूं, मैं इसको भी हरा दूं, है ना, ये स्थिति रहती है। तो कहते हैं कि लेकिन भगवान को प्रसन्न सब करना चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करना चाहते हैं, उनको पता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी तो वही है। सोचिए दैत्यों को भी अगर ऊर्जा चाहिए होती थी तो किससे ऊर्जा प्राप्त करते थे? अगर दैत्यों को भी ऊर्जा चाहिए तो किससे ऊर्जा मिलती थी? भगवान की तो भक्ति करते थे। यानी हमारे पास एंड रिजल्ट वही है। अगर हमें भक्ति, अगर हमें कुछ भी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, देखिए लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करेंगे, ठीक है। आप बताइए अगर आपने घर में पार्टी करी और पार्टी में केवल पत्नी, किसी की पत्नी को फोन किया, हाँ मैडम आप आ जाइए, पति लेके मत आइएगा, तो मैडम कहेगी संकोच हो सकता है, आ जाए लेकिन 5 मिनट में भाग जाएंगी, है ना, कि मेरे पति को नहीं बुलाए, पहले तो आएंगे नहीं, अगर आ भी गई तो 5 मिनट भाग जाएंगे, उनको मजा ही नहीं आएगा वहां पर जहां उनका पति नहीं है। तो जहां जो है अगर आपने कृष्ण को नहीं बुलाया और केवल लक्ष्मी बुला ली, लक्ष्मी पति को बोल दिया आप बताओ भैया कृष्ण नहीं चाहिए को लक्ष्मी जी, है ना, लक्ष्मी जी की पूजा करते रह गए, लक्ष्मी आएंगी? ऐसा नहीं नहीं आएंगी, लक्ष्मी पूजा करेंगे लेकिन रुकेंगी नहीं, एक बहाना लेके भाग जाएंगी। ध्यान रखिए लक्ष्मी पति अगर है तो लक्ष्मी आएंगी और रुक जाएंगी, और रुकी रहेंगी, थोड़ा सा संभल के चलती रहेंगी, कहेंगे नहीं यहाँ रुके रहना, यहाँ लक्ष्मी पति निवास करते हैं, यहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, इसलिए मुझे इनके साथ लक्ष्मी पति अगर हैं तो लक्ष्मी भी वहां सदा निवास करती है। नहीं तो आपने देखा ना एक से एक बड़े पैसे वाले लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो भगवान की पूजा नहीं करते। कहते हैं इसमें 31वें श्लोक में 2.6.31 नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं ग्रहीत मायोरुगुणः तर्गादावगुणः स्वतः। कह रहे हैं कि इस तरह से सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक स्थितियों शक्तियों में स्थित है। यानी भगवान जितना भी आप देख रहे हैं, जो भी कुछ इस जगह देख रहे हैं दुनिया में, वट एवर यू आर सीइंग इन दिस वर्ल्ड, जो भी आप देख रहे हैं सब भगवान की ही एक एक्सटर्नल पोटेंसी का हिस्सा है, एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति, उन्हीं से शक्ति से हम प्राप्त कर रहे हैं शक्तियां। हमने सोर्स ऑफ एनर्जी तो ले लिया लेकिन रात में सोर्स को ही भूल गए, सोर्स एनर्जी लेने के बाद सब सोर्स भूल जाएंगे। कनेक्टिविटी चाहिए, किसी ने अगर आपको कुछ दिया है, कोई कंपनी है आपको सैलरी देती है, तो अगर सैलरी दे रही है तो कंपनी के लिए तो लग के काम करना पड़ेगा, देखिए, है ना, नहीं करेंगे तो क्या होगा, सैलरी चली जाती है। वैसे ही जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, भगवान स्वयं, कृष्णा स्वयं सोर्स ऑफ एनर्जी है, और अगर हमने सोर्स ऑफ एनर्जी को छोड़ दिया, पकड़ने के बजाय छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये ऊर्जा भी चली जाएगी, ऐसा ही होगा। इसलिए हमें क्या करना है, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि ये भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं, भगवान भौतिक गुणों से निर्लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है, और क्या है वो, लेकिन उसके बाद भी सारी भौतिक गुणों में जितनी चीजें हो रही हैं, भौतिक इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, सब कुछ भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी क्या ही कारण से हो रही है। यहां पर ब्रह्मा जी ने नारद जी के सारे प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, जो नारद जी ने पीछे प्रश्न पूछे थे उनका ही उत्तर अभी तक चल रहा था, और उन्होंने सब कुछ बता दिया कि किस तरह से सृजन पालन संहार कैसे हो रहा है, और आगे वो बहुत अच्छे से बताने वाले ब्रह्मा जी कि कैसे क्या होगा, किस तरह से जो है भगवान भौतिक कार्यकलापों से दूर भी हैं और भौतिक कार्यकलापों के साथ जुड़े हुए भी हैं, यानी दूर रह करके भी जुड़े हैं। जैसे
अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई करते ना, पढ़ाते हैं का कबूतर खा खरगोश आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आपको एग्जाम तो नहीं देना पड़ता ना, एग्जाम देना पड़ता है क्या? यानी आप इन्वॉल्व हैं लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं हैं, है ना। जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्वॉल्व होकर के भी उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है, उसी तरीके से भगवान भौतिक कार्यों में सब कुछ अपनी एनर्जी देने के बाद भी इन्वॉल्व नहीं होते, वो होकर के भी नहीं होते इन्वॉल्व, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, वो अंदर से बाहर तक पूरे रूप से आध्यात्मिक ही है, भौतिक नहीं है। तो हम लोगों को पूरा स्पष्ट हो गया कि भगवान निर्विशेष तो नहीं है, निराकार तो नहीं है, साकार है, हैं, एग्जिस्ट करते हैं, हमें क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारी क्षमता नहीं उनको देखने के लिए। देखेंगे, डालो अपने अंदर भगवान के प्रेम का अंजन, करो भक्ति भगवान की, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जब बोलो तो भगवान के बारे में बोलो, लेकिन अहंकारा विमूढ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, जो अहंकार से भरा हुआ आत्मा है, प्राणी है, उसको कैसे पता चलेगा कि कोई दूसरा कार्य कर रहा है? वो तो केवल एक निमित्त है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला था कि हे अर्जुन, मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूं, जितने इधर युद्ध भूमि में खड़े हैं युद्ध करने के लिए, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, केवल क्या है, केवल एक चीज है, तुम निमित्त बन जाओ मारने के लिए और तुम भोग करो, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए। भगवान चाहते हैं कि भक्त का नाम हो, भगवान को अपने नाम का क्या करना, भक्त का नाम होना चाहिए, है ना। इस तरह से कहके करके हमारा आज हमने 31 श्लोक देखा, और देखा ब्रह्मा जी ने किस तरीके से सारे उत्तर दिए। अब ब्रह्मा जी आगे कुछ और बताने वाले, बड़ा महत्वपूर्ण, उसको ध्यान से सुनने के लिए जुड़े रहिए। कल फिर से कनेक्ट करेंगे 9:30 शार्प, जोर से हरे कृष्ण महामंत्र के साथ मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। करिए हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े।